सीधे रुख करते हैं जयपुर का दलित सम्मेलन कांग्रेस कर रही है और अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त मंच से संबोधन दे रहे हैं। अम्बेडकर के व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी भावना पर, उनके संदेश पर अपने विचार प्रकट किए। इस प्रकार अपने स्पष्ट सोच के साथ में देशवासियों को संदेश दिया। इस प्रकार बाबा साहब ने सोच की गरीबों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, और जो कुछ तय किए बाबा साहब ने बचपन में उनकी व्याख्या की शब्दों की, वो उनका भाषण बहुत मार्मिक था, बहुत अचीव था। उनको किसी नेता का जीवन सकती बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के मेंबर बने, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन आजाद, सरदार पटेल, सबके साथ मिलकर उन्होंने वो काम किया जिसके कारण से बाबा साहब अम्बेडकर आज देश के इतिहास में उनका नाम सुनिए और सम्मानित हो गया। और मेरी खुशी की बात की है कि आज़ादी के बाद लगातार जिस रूप में कांग्रेस की सरकारों ने पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी या मनमोहन सिंह जी हो, उन सब ने जिस प्रकार के संविधान की मूल भावना को लेकर के जो संघर्ष किया, जो कार्य किए, उसके कारण से चाहे इंदिरा गांधी जान चली गई हो, राजीव गांधी शहीद हो गए, तो देश को एक रखा, अखंड रखा। ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप, चाहे लोकतंत्र की बात थी, समाजवाद की बात थी, धर्मनिरपेक्षता की बात थी, उसके कारण से आज हमारा मुल्क एक अखंड है। ये इतना बड़ा योगदान कांग्रेस का है, कांग्रेस सरकारों का है। इसलिए मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये शक्तियाँ जो आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेती है, महात्मा गांधी का नाम लेती है, मैंने मेरे बचपन से देखा है। ये महात्मा गांधी के खिलाफ रही, ये बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ रही, उनकी सोच के खिलाफ रही, ये आरक्षण के खिलाफ रही। इन्होंने कभी भी गरीबों की बात नहीं करी, और आज अचानक ही सत्ता में आने के लिए हथकंडे अपनाए गए। महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, और इनको पूछो आज़ादी के जंग में जो त्याग, बलिदान और कुर्बानी हुई थी,